अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तहदिल से इस्तकबाल करते हैं आप सभी का हमारे इस मोहम्मदी ज्ञान हिंदी इस्लामिक चैनल पर। मैं हूं मोहम्मद फैज और आप देख रहे हैं मोहम्मदी ज्ञान हिंदी इस्लामिक चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस मोहम्मदी ज्ञान हिंदी इस्लामिक चैनल को आप सभी के साथ की बहुत ज़रूरत है, तो इस चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए अल्लाह के प्यारो, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे दीनी भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम मौत और उसके बाद की सुन्नतों को जानेंगे और इंशाल्लाह हम इन सब सुन्नतों पर अमल भी करेंगे। चलिए अल्लाह के प्यारों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर एक, जब यह मालूम होने लगे कि मौत का वक्त करीब है तो उस वक्त जो लोग मौजूद हो उसका मुँह किबले की तरफ फेर दें। नंबर दो, जब मौत करीब मालूम हो तो यह दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मग़फिरली वरहमनी वलहिकनी बिर्रफ़ीकिल आला। तर्जुमा, ए अल्लाह मुझको बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा और मुझे ऊपर वाले साथियों में पहुंचा दे। नंबर तीन, जब रूह निकलने के आसार महसूस हो तो यह दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा आइन्नी गमरातिल मौती व सकारातिल मौत। तर्जुमा, ए अल्लाह मौत की सख्तियों के मौके पर मेरी मदद फरमा। नंबर चार, जब मौत वाक़ हो जाए तो अहले ताल्लुक यह दुआ पढ़ें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अज़िरनी फ़ी मुसीबती व खलिफली खैरम मिनहा। तर्जुमा, बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और हम अल्लाह ही के तरफ लौटने वाले हैं, ए अल्लाह मेरी मुसीबत में अजर दे और उसके बदले उससे अच्छा बदला इनायत फरमा। नंबर पाँच, रूह निकल जाने के बाद मैयत की आंखें बंद कर दें। नंबर छः, जो शख्स मैयत को तख्त पर रखने के लिए उठाए या जनाजा उठाए तो बिस्मिल्लाह कहे। नंबर सात, मैयत के दफन करने में जल्दी करना सुन्नत है। नंबर आठ, जब मैयत को कब्र में रखें तो यह दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि वाला मिल्लती रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर नौ, मैयत को कब्र में दाहिनी करवट पर इस तरह लिटाना चाहिए कि पूरा सीना काबे की तरफ हो और पुश्त को कब्र की दीवार से लगा दें। आजकल लोग सिर्फ मुंह काबे की तरफ कर देते हैं और चिट लिटा देते हैं कि सीना आसमान की तरफ होता है, बिल्कुल खिलाफ सुन्नत है। नंबर दस, मैयत के रिश्तेदारों को खाना देना मसनून है, इस खाने को तमाम बिरादरी या रिश्तेदारों को खाना जायज़ नहीं। मैयत वालों के खाने में जो शरीक हैं उनके लिए यह खाना जायज़ है। नाम और दिखलावे के लिए ऐसा करना जायज़ नहीं, जो मौजूद हो दे दिया जाए। नंबर ग्यारह, कब्र को ना बहुत ऊंची करें और ना पुख्ता मजबूत बनाएं। नंबर बारह, जब मैयत के दफन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग होते तो खुद भी दुआ करते और दूसरों के लिए भी फरमाते कि अपने भाई के लिए इस्तिग़फ़ार करो और साबित कदम रहने की दुआ करो कि अल्लाह उसे मुनकर नकीर के जवाब में साबित कदम रखे। नंबर तेरह, कब्र पर पानी छिड़कना सुन्नत है। मेरे भाई और बहनों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके अपने करीबी लोगों में ज़रूर शेयर करें। आप सभी से दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।